ओम शांति। मन शांत तो सब कुछ शांत। पीस ऑफ माइंड, मुझे मन की शांति चाहिए। इसलिए कई लोग एकांत में चले जाते, कई लोग पहाड़ी पर जाते हैं, कई बगीचे में जाएंगे, तो कोई मंदिरों में जाएंगे। बस मुझे मन की शांति चाहिए। थोड़े समय के लिए तो मिल जाएगी, लेकिन वापस आएंगे, उसके बाद मन का स्टेटस सेम, रेस्टलेस माइंड। कई बार कारण हो सकता है उसका, एक आदत जो मुझे अशांत कर रही है, बार बार मुझे चिंता में डाल रही है, और वो आदत दुख देना और दुख लेना, दुख देना दुख लेना। कई है जिनको आदत है दूसरों को फटाफट बोलना, रिएक्ट करना, गुस्सा करना। अच्छा, वो करने के बाद वो भी खुद शांति का तो अनुभव करते ही नहीं, लेकिन इसके साथ साथ जिनके साथ उन्होंने गुस्सा किया, जिनके ऊपर गुस्सा किया, जिनके ऊपर रिएक्ट किया, वो भी उनके लिए तो नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं। जब तक वो नेगेटिव एनर्जी क्लियर नहीं होती है, स्टॉप नहीं होती है सामने वाले से, तब तक मेरा मन अशांत रहेगा, क्योंकि मैंने कर्म कौन सा किया? दुख देना। मेरे स्वभाव के कारण, मेरी आदत के कारण, तो मेरे पास कांस्टेंट जहां दुख दिया वहां से बैड एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी आ रही है। तो जब तक मुझे औरों से नेगेटिव एनर्जी मिल रही है, तो मन शांति का अनुभव कैसे करेगा? दूसरा, मन अशांत तभी भी होता है जब हम बार बार दुखी होते हैं, बिना वजह से दुखी होते हैं। हम दुख को लेते हैं, दुख देते नहीं है। कई बार दुख देते नहीं है, लेकिन दुख लेते हैं। माना हम उस टाइप के थॉट्स क्रिएट करते हैं। जैसे अगर एक बार किसी का आपके साथ झगड़ा हुआ होगा, किसी ने भला बुरा कह दिया, अभी वो व्यक्ति अगर औरों के साथ बातें कर रहा है, हंस रहा है, और आपको देखकर वो बातें कर रहा है, हंस रहा है, ऐसे आपको लग रहा है, तो मन में बार बार सोच कौन सी चलेगी? ये ना अभी शायद मेरे लिए मुझे तकलीफ देने का सोच रहे हैं, शायद इनके मन में मेरे लिए कुछ गलत भावना है, ये मुझे नुकसान पहुंचाएंगे, ये मुझे तकलीफ देंगे। अभी ये विचार कौन कर रहा है? बार बार मैं कर रही हूं। तो मैं उनके मिलने से मैं खुद दुखी हो रही हूं कि ये आपस में क्यों मिल रहे हैं, ये जरूर मेरे बारे में कुछ न कुछ सोच रहे हैं। अब तो मुझे इनका बदला लेना चाहिए, मुझे भी इनके बारे में कुछ बोलना चाहिए। तो मैंने अपने मन में बिना कोई वजह से सामने वालों के बारे में गलत विचार सोच सोच के मन को क्या कर दिया? दुखी कर दिया। तो दुखी कौन हुआ? मैं खुद। इतना ही नहीं, कई बार दूसरों को, घर वालों को सुखी करते करते खुद दुखी होते हैं। खुद दुख में रहकर अपने परिवार को, दूसरों को सुख देने की कोशिश करते हैं। तो सोचिए, जो खुद को दुखी करता है वो कैसे सुखी रह सकता है? तो मन को आदत कौन सी हो गई? बात बात में दुखी होकर जीना, हर एक बात से दुख लेना, मिसअंडरस्टैंडिंग करना, दूसरों के बारे में गलत सोचना। तो मैं अपने मन को बार बार कमज़ोर कर रही हूँ। तो जो अपने मन को कमज़ोर कर रहा है वो शांत कैसे रह सकता? कई बार हमारे फैमिली मेंबर्स अपनी आदतों को चेंज नहीं करते हैं, उनकी आदतों को देख देख कर हम दुखी होते हैं। वो तो अपनी आदतों में मस्त रहते हैं, लेकिन हम उन आदतों से
बहुत अपने आप को तकलीफ पहुंचाते हैं, ये क्यों नहीं बदलते, ये क्यों नहीं सुधरते, और यही सोच सोच कर मैं दुखी होती हूँ। तो क्या मन को शांत करना है? मन को शांत करना है तो मन को शांत करना है तो आज से अपने साथ प्रॉमिस करें। कौन सा प्रॉमिस? आज से हम दूसरे को दुख नहीं देंगे, चाहे मुझे उसके लिए कुछ सहन करना पड़े, चुप रहना पड़े, शांत रहना पड़े, लेकिन आज से हम किसी को दुख नहीं देंगे। पॉसिबल है? कोशिश करके देखो। दूसरा, आज से हम कोई बात से दुखी नहीं होंगे। सामने वाला चाहे अपनी गलती को छोड़े ना छोड़े, अपनी गलती को सुधारे ना सुधारे, अपनी आदतों को सुधारे ना सुधारे, हम उनको उनकी आदत को सुधारने के लिए उन्हें मदद करेंगे, हम उन्हें उनकी गलती को सुधारने के लिए मदद करेंगे, लेकिन हम दुखी नहीं होंगे। हम शक्तिशाली बनकर हम उन्हें सहयोग करेंगे। तो इससे क्या होगा? हमारी मन की ताकत बढ़ेगी, मन की खुशी बढ़ेगी कि हम दूसरों को मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, इसका एक आनंद मिलेगा और इसी आनंद से मन शांत होता जाएगा। तो क्या आज से दो बातें पॉसिबल है? चलो आज सारा दें हम एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं। आज हम किसी को भी दुख नहीं देंगे, न कोई बात से हम दुखी होंगे। तो सारा समय मन कैसा रहेगा? खुशनुमा, हैप्पी डे।